शरद पवार जो है भारतीय जी राजनीति के चाणक्य हैं, लेकिन उनके साथ बिल्कुल दूसरी एक बात और आप समझ सकते हैं आप कि वो राजनीति के दगे हुए कारतूस हैं। महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा जानता है, बंबई का हर आदमी जानता है, हर बिल्डर जानता है, हर भाई जानता है, हर पुलिस वाला जानता है, हर एडमिनिस्ट्रेटर जानता है कि शरद पवार का एक गहरा ताल्लुक रहा है वहां की राजनीति के अंडरवर्ल्ड से। नमस्कार दोस्तों, हिंदी वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम, हमारे साथ हैं एडवोकेट अरुण कुमार जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर कल एक नमस्कार। अजीब सा बयान आया है शरद पवार का। उन्होंने अडानी जी की तारीफ की है, जहां एक तरफ विपक्ष और वो खुद विपक्ष का हिस्सा है क्योंकि महागठबंधन सरकार चला रहे थे कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में। उन्होंने कहा अडानी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, तो ऐसे में जहां विपक्ष पूरा खिलाफ है वो अडानी जी के साथ है, ऐसा क्यों है सर? देखिए आप बात को इस रूप से समझ सकते हैं कि शरद पवार जो है भारतीय राजनीति के चाणक्य हैं, लेकिन उनके साथ बिल्कुल दूसरी एक बात और आप समझ सकते हैं आप कि वो राजनीति के दगे हुए कारतूस हैं। उनकी जो राजनीति है पिछले साल ही खत्म हो गई थी जब महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव होने थे। ये तो बुरा हो या अच्छा हो, ईडी का कि ईडी ने शरद पवार को एक समन भेज दिया और कहा कि तुम जो है चुनाव के दिन जिस दिन वोट पड़ने हैं उस दिन आप जो है ईडी के कार्यालय में आए। और शरद पवार ने उससे जो उनका पैतरेबाजी का तरीका है उसका जो उन्होंने जिस तरह ट्रीटमेंट किया, उन्होंने कहा कि मैं ईडी में जाने को तैयार हूँ। और उसके बाद जब औरंगाबाद में उन्होंने मूसलाधार बारिश के बीच में अपने तेवर दिखाए तो उससे जो है मतदाताओं का मन शरद पवार के साथ हो गया। और तब जो है उसी दिन ये तय हो गया कि शरद पवार राजनीति के वो शेर हैं जो मिट्टी के नहीं है बल्कि असली शेर हैं और वक्त पर जानते हैं कि कैसे हमला करना है। उसके बाद जो महाराष्ट्र की राजनीति जो है शरद पवार की रणनीति के चारों ओर घूमती रही। उनका जो भतीजा है वो अजीत एक तरह पवार से अजीत पवार, वो भागकर जो है बीजेपी की शरण में चला गया, मुख्यमंत्री बन गया। और वहां से जो कुछ हुआ उसकी वजह से पूरी तरह से बीजेपी और बीजेपी के सारे के लोग थे दिल्ली के वो सब बर्बाद हुए और वो सरकार नहीं चली, गिर गई। और उसके बाद जो है वहां पर महाअघाड़ी की सरकार चलती रही। शरद पवार उसके बड़े स्तंभ हैं। लेकिन कल जो उन्होंने बयान दिया है वो बयान जो है ये बताता है कि शरद पवार के मन में जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, जो जीवन में कभी पूरी नहीं होगी उनको लेकर शरद पवार के मन में ये है कि जिसे कहते हैं भागते चोर की लंगोटी, उसकी तरह उन्होंने सोचा कि आखिरी वक्त में कोई ऐसी रणनीति चली जाए कि मैं जो है अगले चुनाव के बाद 2024 के चुनाव में अगर भाजपा को समर्थन ना मिले तो मैं जो है अजीत पवार की तरह ही चंद दिनों का प्रधानमंत्री भारत का बन जाऊं। इसीलिए वो बीजेपी के साथ अपने रिश्ते खुले रखना चाहते हैं और बीजेपी के साथ वो जो है हाथ मिलाकर गलबहियां कर रहे हैं। अब इसमें एक बात जो महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा जानता है, बंबई का हर आदमी जानता है, हर बिल्डर जानता है, हर भाई जानता है, हर पुलिस वाला जानता है, हर एडमिनिस्ट्रेटर जानता है कि शरद पवार का एक गहरा ताल्लुक रहा है वहां की राजनीति के अंडरवर्ल्ड से। हमेशा ही आरोप शरद पवार पर लगते रहे हैं कि वो दाऊद इब्राहिम की हमेशा मदद करते रहे हैं। 1993 में जब शरद पवार देश के रक्षा मंत्री थे तब उन पर ये आरोप लगा था कि उनके जो उनका जो सरकारी प्लेन था एज ए मिनिस्टर ऑफ डिफेंस उसमें दाऊद के लोग जो है घूमते थे। दाऊद के लोग बनारस गए, इलाहाबाद गए, पकड़े गए और उसकी आईबी ने जांच की और उसके बाद जो है शरद पवार को ये सारी बात बताई गई कि आपको अपने संबंध जो है दाऊद से तोड़ने हैं। अब शरद पवार जो है राजनीति के इस समय में आकर जो उन्होंने बयान दिया वो बड़ा ऐसा बयान लगता है कि जैसे हमारे एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं अरुण मिश्रा। अरुण मिश्रा बड़े विवादास्पद रहे हैं। उन्होंने कई बयान जो है कई फैसले जो है अडानी अंबानी और दूसरे लोगों के समर्थन में दिए और कई फैसले उनके बड़े विचित्र हैं। अगर उनकी मैं तुलना या आपकी जानकारी बताऊं तो बड़ा ठेस लगेगा कि एक जज ऐसा कर सकता है। अब उस जज को नरेंद्र मोदी ने भारत के ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष बना दिया, वो उसके अध्यक्ष हैं। और ह्यूमन राइट कमीशन का जब ह्यूमन राइट डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है तो उस दिन उन्होंने 9 दिसंबर को एक बड़ा विचित्र बयान दिया कि हिंदुस्तान में ह्यूमन राइट कमीशन की जरूरत नहीं है। यानी जिस काम के लिए बना है आदमी उसी को कहे कि इसकी जरूरत नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि वो वहां पर बैठकर कैसे फैसले करें। अब शरद पवार जो राजनीति में लोकतंत्र में लोकतंत्र के प्रहरी हैं वो कह रहे हैं कि जेपीसी नहीं होनी चाहिए। यानी जेपीसी का मतलब क्या है? अगर आप सोचिए कि जेपीसी बन गई तो उसमें क्या होगा, विपक्ष के सदस्य होंगे,
टोटल 30-31 सदस्य होंगे, उनकी एक समिति होगी, वो लोग जो अपनी अदालत लगाएंगे, लोग उसमें सवाल करेंगे और सवाल करके वो कागज मांगेंगे जिसपे लोगों का शक होगा, उस पर वो जो है प्रधानमंत्री तक को बुला सकते हैं। आपको याद दिला दूं कि मनमोहन सिंह 2G की कमेटी के सामने प्रधानमंत्री होते हुए पेश हुए थे, जबकि कानूनन कोई बाध्यता नहीं थी कि मनमोहन सिंह JPC के सामने पेश हो, लेकिन उन्होंने कहा कि JPC का स्तर, उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा है और मैं प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी वहां जाऊंगा, और वो गए। तो प्रधानमंत्री को भी, अगर मनमोहन सिंह को ये डर होता कि भाई JPC ना बने तो वो कहते नहीं बनाऊंगा, लेकिन BJP हर बार जो है बोफोर्स के समय में भी और समय में भी हम देखते हैं कि वो हमेशा मांग करती थी कि JPC बननी चाहिए, और JPC बनी भी और JPC ने अपना काम भी किया, उसकी रिपोर्टें भी आई। अब शरद पवार जो है मोदी जी की भाषा बोल रहे हैं। अब मोदी जी की भाषा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि शरद पवार चाहते हैं कि अडानी जी बचे, अडानी जी के ऊपर संसद में कोई आँच ना आए। हो सकता है शिष्य की बात सुन ली हो उन्होंने, नहीं ये सुन ली हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इस बात में भी खोल के ये सवाल उनसे किया जाना चाहिए जो आपने सवाल किया है। अब मोदी जी का बस चले तो वो कायदे में जो होता है ना आ शब्द उसमें से आ हटा देंगे, क्योंकि आ कहते ही लोगों को जो है आम की याद आ जाती है, जिसके बारे में मोदी जी से सवाल पूछा गया था आप चूस के खाते हो या काट के खाते हो, और आ से अडानी याद आ जाता है। तो अडानी को बचाने के लिए शरद पवार जो है पूरी तरह से आज सामने आ गए हैं कि अडानी की जांच नहीं होनी चाहिए। अब अडानी की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? अब शरद पवार दो लोगों को बचाने में लगे हुए हैं, एक तो अडानी को बचाना है और एक दाऊद इब्राहिम को बचाना है। वो दाऊद इब्राहिम के ऊपर भी अगर JPC की बात हो तो नहीं बनाएंगे, नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अडानी और दाऊद इनका भी कोई संबंध निकलेगा अगर उसकी जांच की जाएगी, क्योंकि अजीत डोभाल जो है उनका पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक इंटरेस्ट रहता है, उनका बेटा जो है वहां पर व्यापार करता है, अडानी भी वहां पर व्यापार करता है। आप देखिए अजीत डोभाल का बेटा और अडानी पाकिस्तान के जो पावर प्रोजेक्ट है उसमें जुड़े हुए हैं, और वहां पर कौन सारी चीज राजनीति चलाता है? बड़े हिंदुस्तान की तरफ से राजनीति कौन चलाता है? दाऊद चलाता है। तो दाऊद, अडानी, अजीत डोभाल का बेटा, नरेंद्र मोदी और शरद पवार, ये चारों एक हो जाते हैं, पांचों एक हो जाते हैं, और आप समझिए सब एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं। और सब एक दूसरे को क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि जब JPC बैठेगी तो JPC हर चीज की जांच करेगी। तो अगर किसी आदमी को, अगर किसी आदमी ने कोई क्राइम नहीं किया है तो उसे डरना नहीं चाहिए। कहावत है कि सांच को आँच नहीं, इस सच को आँच से डर नहीं लगता। हमारी तो परंपरा रही है, मोदी जी खुद मानते हैं और भगवान राम को आदर्श, उन्होंने कहा है हमारे यहाँ हनुमान जी हमारे आदर्श हैं। हनुमान जी के आदर्श जो थे रामचंद्र जी थे। रामचंद्र जी को जब लगा कि जनता ये मानती है कि सीता जो है वो दागदार है, उसमें कोई दाग हो सकता है, रावण के घर रह के आई है, तो उन्होंने सीता की अग्नि परीक्षा ली, और अग्नि परीक्षा में क्या हुआ कि सीता जी पवित्र होके निकली। तो अग्नि परीक्षा सीता जी की हो सकती है, तो अडानी की क्यों नहीं हो सकती? शरद पवार की क्यों नहीं हो सकती? नरेंद्र मोदी की क्यों नहीं हो सकती? दाऊद इब्राहिम की क्यों नहीं हो सकती? अजीत डोभाल के बेटे की क्यों नहीं हो सकती? तो आप ये समझिए कि ये समय जो है, अगर आप समझें कि लोग कहते हैं, कहावत है कि दाल में काला, लेकिन आज के समय की जो केंद्र सरकार है, आज के समय की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये तो पूरी की पूरी काली है। इनका मुंह काला है, इनका चरित्र काला है, इनका दिल काला है, ये कालेपन में ही लगे हुए हैं, ब्लैक मनी के साथ चलते हैं। और जो JPC में, और जो राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए, तो काले धन ही तो है। तो काले धन को काले लोग काले तरीके से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और शरद पवार आज जो है उसी तरह से BJP के हाथ में खिलौना बने हैं, क्योंकि इनके तार जो है हर तरह से अडानी से भी जुड़े हुए हैं, और मैंने जैसे आपको कहा दाऊद इब्राहिम से भी जुड़े हुए हैं। और दाऊद इब्राहिम का बेटा राजनीति में आज के समय में इतना सक्रिय है कि मैंने एक कंप्लेंट पुलिस को दी थी, जिसमें कि आप देखेंगे कि सानवी मालू या सतीश जो हमारे एक कॉमेडियन थे, उनकी डेथ हुई, तो सानवी मालू ने ये आरोप लगाया कि उनके घर पर दाऊद इब्राहिम का बेटा आया था, और दाऊद इब्राहिम का बेटा उस पार्टी में मौजूद था। उसकी उस शिकायत के बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने उसकी जांच नहीं की है, भारत के गृह मंत्रालय ने उसकी जांच नहीं की है। तो आप आज के समय में समझ लीजिए कि दाऊद इब्राहिम, अडानी, ये सारे जो है जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि देश के सुरक्षा के लिए खतरा है, उनकी जांच शरद पवार नहीं चाहते, शरद पवार JPC नहीं चाहते। इसका मतलब शरद पवार को देश के लोकतंत्र में, जनतंत्र में, देश की संसद में आस्था नहीं है। अब शरद पवार बड़े मजे से कह रहे हैं कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच कर रही है, इसलिए देखेंगे। तो भाई पार्लियामेंट बंद कर दो, पार्लियामेंट को खत्म करके कहो जी हमें नहीं चलानी, सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो देश चलाएंगे।
जब सरकार को चलाने के लिए निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट भाई बात करती है तो वो जजों पे कहते हैं जी एंटी नेशनल है। अभी भी आपने सुना होगा किरण रिजिजू ने कहा कि हमारे जो जो न्यायाधीश हैं वो देशद्रोही हैं, वो देश के खिलाफ फैसले करते हैं, और जब लोगों ने पूछा भाई नाम बताओ तो नाम नहीं बताते। तो एक तरह से सारी संस्थाओं पर संकट है, सारी संस्थाओं की जो एक तरह से रेपुटेशन है, उनकी जो विश्वसनीयता है वो खतरे में है। और ये सारी इसलिए है क्योंकि शरद पवार जैसे लोग जो है उनके मन में एक इच्छा है कि 2024 में जब बहुमत नहीं मिलेगा किसी पार्टी को तो मैं चुपचाप अपने 10-20-50 गुर्गों को लेकर अजीत पवार की तरह जाकर बीजेपी से मिल जाऊंगा और चंद घंटों के लिए, चंद महीनों के लिए मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, और जब मरूंगा तो मैं कहलाऊंगा भूतपूर्व प्रधानमंत्री। तो सिर्फ पूरा प्रधानमंत्री बनने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, बिल्कुल राज्य तक ही कांग्रेस को कितना नुकसान है? विपक्ष को कोई नुकसान नहीं है, जनता को वोट देना है। ये लड़ाई जो है अडानी वर्सेस पीपल ऑफ इंडिया, यानी एक अडानी और 140 करोड़ हिंदुस्तानी उनके खिलाफ होनी है। जो भी अडानी के फेवर में जाएगा, जो भी बताएगा मैं अडानी के साथ हूँ, वो उसको जनता वोट नहीं देगी, जनता उसे हर तरह नकार देगी। और जो अभी चुनाव आप देख रहे हैं कर्नाटक के हो रहे हैं, वो अपने आप में बता देंगे कि जनता का पूरा सैलाब है पहली बार किस तरफ जा रहा है, उससे सब बात साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, आपने बताया कि शरद पवार क्यों नहीं चाहते अडानी जी की जांच हो, जीपीसी क्यों नहीं बने, सब कुछ विश्लेषण किया। आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। किसी और एपिसोड में रविंद्र जी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।